नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज इस वीडियो में Realme X सीरीज में जितने मोबाइल फोन आते हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। यानी कि Realme X सीरीज में कितने मोबाइल फोन आते हैं और किन में क्या फीचर्स मिलते हैं और किसकी क्या प्राइस है, ये सारी जानकारी आपको एक वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस सीरीज के कोई भी मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो उसको आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से खरीद सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप चाहें तो ऑनलाइन जाके शॉप कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं Realme XT की। इसमें आपको टोटल दो कलर ऑप्शन पर्ल व्हाइट और पर्ल ब्लू मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंच का ड्यू ड्रॉप फुल स्क्रीन दिया गया है। इसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 लगा हुआ है। कैमरे की बात करें तो इसके रियर में 64 मेगापिक्सल की AI क्वाड कैमरा दी गई है। यानी कि 64 मेगापिक्सल की मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल की वाइड एंगल लेंस, पोर्ट्रेट लेंस और माइक्रो लेंस दी गई है। तो इसके फ्रंट में सोनी का 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दी गई है और इसके फ्रंट और रियर कैमरे में इलेक्ट्रिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी दिया गया है, जिससे कि जो इमेज की जो शेकिंग प्रॉब्लम या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग की शेकिंग प्रॉब्लम होती है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर, तो स्लो मोशन रिकॉर्डिंग 960 FPS पे कर सकते हैं। बैटरी की बात करें तो 4000mAh की बैटरी दी गई है। बॉक्स में आपको VOC का चार्जर मिल जाता है जो कि 80 मिनट में आपके मोबाइल को फुल चार्ज कर देगा। इस मोबाइल के डिस्प्ले में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और 3 कार्ड स्लॉट लगाया हुआ है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 3 तरीके का स्टोरेज मिल जाता है, जिसमें 4GB RAM + 64GB स्टोरेज, 6GB RAM + 64GB स्टोरेज और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज शामिल है। तो इसके प्रोसेसर की बात करें तो क्वाडकॉम स्नैपड्रैगन 712 आपको इसमें प्रोसेसर मिल जाता है। OS की बात करें तो एंड्रॉइड पी आपको इसमें OS मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 16,999 यानी कि 16,999 तक मिल जाएगी। तो 6GB RAM + 64GB स्टोरेज के साथ 17,999 यानी कि 17,999 तक मिल जाएगी। तो 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 यानी कि 19,999 तक मिल जाएगी। तो अगले नंबर बात करते हैं Realme X की। तो इसमें भी आपको टोटल दो कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें पोलर व्हाइट और स्पेस ब्लू शामिल है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें भी 6.53 इंच का एमोलेड फुल स्क्रीन दी गई है, जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 लगा हुआ है। कैमरे की बात करें तो 48MP + 5MP की कैमरा दी गई है। इसमें आपको सोनी IMX586 कैमरा मिल जाता है। तो इसके फ्रंट में 16MP की पॉपअप सेल्फी कैमरा दी गई है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K तक आप रिकॉर्डिंग 30 FPS पे कर सकते हैं। तो इस स्लो मोशन रिकॉर्डिंग 1080p / 120 FPS पे हो जाती है। बैटरी की बात करें तो 3765mAh की बैटरी दी गई है। बॉक्स में आपको VOOC का फ्लैश चार्जर मिल जाता है। इसमें भी आपको डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। स्टोरेज की बात करें तो 4GB RAM + 128GB स्टोरेज मिल जाती है और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज दी गई है। प्रोसेसर की बात करें तो क्वाडकॉम स्नैपड्रैगन 710 आपको प्रोसेसर मिल जाता है। OS की बात करें तो इसमें भी एंड्रॉइड पाई दिया गया है। प्राइस की बात करें तो 4GB RAM + 128GB स्टोरेज 17,999 यानी कि 17,999 तक मिल जाती है। तो वहीं 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ 20,999 यानी कि 20,999 तक मिल जाएगी। तो आगे बात करते हैं Realme X2 की। इसमें भी आपको टोटल 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें पर्ल ब्लू, पर्ल ग्रीन और पर्ल व्हाइट शामिल है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंच का ड्यू ड्रॉप फुल स्क्रीन मिल जाता है, जिसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 लगा हुआ है। कैमरे की बात करें तो इसके रियर में 64MP की AI क्वाड कैमरा दी गई है, यानी कि 64MP की मेन कैमरा है, 8MP की वाइड एंगल लेंस है, पोर्ट्रेट लेंस है और माइक्रो लेंस है। तो इसके फ्रंट में 32MP की सेल्फी कैमरा दी गई है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K तक 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्लो मोशन रिकॉर्डिंग भी 960 FPS पे हो सकती है। बैटरी की बात करें तो 4000mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी दी गई है। बॉक्स में आपको 30V VOOC का फ्लैश चार्जर मिल जाता है। इसमें भी टाइप सी पोर्ट दिया गया है। इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 4 तरीके का स्टोरेज मिल जाता है, जिसमें 4GB RAM 64GB स्टोरेज, 6GB RAM 128GB स्टोरेज, 8GB RAM 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज शामिल है। तो इसके प्रोसेसर की बात करें तो क्वाडकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर दिया गया है। प्राइस की बात करें तो 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 17,999 यानी कि 17,999 तक मिल जाएगी। तो 6GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 यानी कि 19,999 तक मिल जाएगी। तो 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ 20,999 यानी कि 20,999 तक मिल जाएगी। तो 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ 22,999 यानी कि 22,999 तक मिल जाएगी। तो आगे बात करते हैं Realme X3 की। तो इसमें आपको टोटल 2 कलर ऑप्शन, आर्किड व्हाइट और ग्लेशियर ब्लू शामिल है।
डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंच का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 भी लगा हुआ है। कैमरे की बात करें तो 64 मेगापिक्सल की अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन आपको वाइड एंगल लेंस मिल जाती है, 12 मेगापिक्सल की टेली लेंस दी गई है, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दी गई है, 2 मेगापिक्सल की माइक्रो लेंस दी गई है, यानी कि इसके रियर में आपको क्वाड कैमरा मिल जाती है। इसमें आपको फोटोग्राफी मोड भी काफी सारे मिल जाते हैं और इसमें आपको 20x तक हाइब्रिड जूमिंग भी मिल जाता है। तो इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की डुअल AI डिस्प्ले सेल्फी कैमरा दी गई है, यानी कि इसमें आपको दो कैमरे मिल जाते हैं जिसमें आपको पहला कैमरा 16 मेगापिक्सल की हाई रेजोल्यूशन सोनी की कैमरा दी गई है और इसी में 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दी गई है। तो इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो UIC वीडियो स्टेबलाइजेशन दिया गया है जिससे कि वीडियो रिकॉर्ड करते समय आपकी शेकिंग प्रॉब्लम जो होती है वो नहीं दिखेगी। 4K तक रिकॉर्डिंग आप 30fps पे और 60fps पे कर सकते हैं। बैटरी की बात करें तो 4200mAh की आपको इसमें बैटरी मिल जाती है, 30W डॉट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है, टाइप सी पोर्ट दिया गया है और इसमें आपको खास बात लिक्विड कूलिंग मिल जाती है। स्टोरेज की बात करें तो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज और 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज मिल जाता है। तो ये प्रोसेस की बात करें तो क्वाडकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस आपको इसमें प्रोसेसर मिल जाता है, एंड्रॉयड 10 इसमें आपको OS मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 21,999 यानी कि 21,999 तक मिल जाती है, तो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 22,999 यानी कि 22,999 तक मिल जाएगी। तो ये अगले नंबर बात करते हैं रियलमी X3 सुपर जूम का, यानी कि X3 का अगर आप सुपर जूम वेरियंट लेते हैं तो उसमें आपको सारे फीचर ये सेम मिलेंगे, केवल इसके रियर कैमरे की जो जूमिंग कैपेसिटी है वो 20x से बढ़कर 60x तक हो जाएगा। इसके रियर में 64 मेगापिक्सल की AI क्वाड कैमरा दी गई है, यानी कि इसके रियर में 64 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड कैमरा दी गई है, 8 मेगापिक्सल की पेरिस्कोप लेंस दी गई है, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दी गई है, 2 मेगापिक्सल की माइक्रो लेंस दी गई है। तो इसके फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की डुअल डिस्प्ले कैमरा मिल जाती है। तो इसके अगर प्राइस की बात करें तो इसका 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 यानी कि 23,999 तक आपको मिल जाएगी। तो ये अगले नंबर बात करते हैं Realme X2 Pro की, तो इसमें आपको टोटल दो कलर ऑप्शन लूनर व्हाइट और नेपच्यून ब्लू मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच का ड्यू ड्रॉप सुपर एमोलेड फुल स्क्रीन मिल जाता है जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 लगा हुआ है। कैमरे की बात करें तो इसके रियर में 64 मेगापिक्सल की क्वाड कैमरा दी गई है और इसमें आपको 20x तक हाइब्रिड जूमिंग मिल जाता है, यानी कि 64 मेगापिक्सल की मेन कैमरा दी गई है, 13 मेगापिक्सल की टेली लेंस दी गई है, 8 मेगापिक्सल की वाइड एंगल लेंस दी गई है और 2 मेगापिक्सल की पोर्ट्रेट लेंस दी गई है और इसमें भी आपको कई सारे फोटोग्राफी मोड मिल जाते हैं। तो इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दी गई है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K तक 30fps और 60fps पे कर सकते हैं, तो स्लो मोशन 960fps आप कर सकते हैं और इसमें भी कई सारे आपको इफेक्ट्स मिल जाते हैं। बैटरी की बात करें तो 4000mAh की आपको मैसिव बैटरी मिल जाती है जो कि 50W सुपर VOOC फ्लैश चार्जर को सपोर्ट भी करता है। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, USB पोर्ट सी दिया गया है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको तीन तरीके का स्टोरेज मिल जाता है जिसमें 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज और 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज और 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज शामिल है। प्रोसेसर की बात करें तो क्वाडकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस आपको प्रोसेसर मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ 29,999 यानी कि 29,999 तक मिल जाती है, तो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 31,999 यानी कि 31,999 तक मिल जाती है, तो 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के साथ 35,999 यानी कि 35,999 तक मिल जाती है। तो आगे बात करते हैं Realme X Pro Master Edition की, इसमें आपको टोटल दो कलर ऑप्शन कॉन्क्रीट और रेड ब्लैक शामिल है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें भी आपको 6.5 इंच का ड्यू ड्रॉप फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 लगा हुआ है। कैमरे की बात करें तो इसके रियर में 64 मेगापिक्सल की क्वाड कैमरा 20x हाइब्रिड जूमिंग के साथ मिल जाता है, यानी कि 64 मेगापिक्सल की मेन कैमरा दी गई है, 13 मेगापिक्सल की टेली लेंस दी गई है, 8 मेगापिक्सल की वाइड एंगल लेंस दी गई है, 2 मेगापिक्सल की पोर्ट्रेट लेंस मिल जाती है। तो इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दी गई है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K तक 30fps पे और 60fps पे कर सकते हैं, स्लो मोशन रिकॉर्डिंग 960fps पे कर सकते हैं और इसमें भी कई सारे रिकॉर्डिंग फंक्शंस दिए गए हैं। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट दिया गया है। स्टोरेज की बात करें तो 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज मिल जाता है। तो ये प्रोसेसर की बात करें तो क्वाडकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस आपको इसमें प्रोसेसर दिया गया है। प्राइस की बात करें तो 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के साथ 36,999 यानी कि 36,999 तक मिल जाती है। तो अगले नंबर बात करते हैं Realme X50 Pro की, जिसमें आपको 5G नेटवर्क भी मिल जाता है। कलर की बात करें तो मॉस ग्रीन और इसमें आपको रस्ट रेड मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.44 इंच का 90Hz अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले मिल जाता है। इसमें आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 लगा हुआ है।
कैमरे की बात करें तो इसके रियर में 64 मेगापिक्सल की AI क्वाड कैमरा दी गई है, जिसमें आपको 20x तक जूमिंग मिल जाती है, यानी कि 64 मेगापिक्सल की अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन वाइड एंगल लेंस कैमरा दी गई है, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और माइक्रो कैमरा दी गई है, 12 मेगापिक्सल की टेली कैमरा दी गई है और 2 मेगापिक्सल की ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट कैमरा दी गई है। तो इसके फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की डुअल इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिल जाती है, यानी कि 32 मेगापिक्सल की वाइड एंगल कैमरा दी गई है और 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाती है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो UIS वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको मिल जाता है, 4K तक रिकॉर्डिंग 30fps में मिल जाती है और तो इसमें आपको कई सारे वीडियो इफेक्ट भी मिल जाते हैं। बैटरी की बात करें तो 4200mAh की आपको मैसिव बैटरी मिल जाती है, जिसमें 65W सुपर डॉट चार्ज को सपोर्ट भी करता है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। स्टोरेज की बात करें तो 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज और 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज शामिल है। प्रोसेसर की बात करें तो क्वाडकॉम स्नैपड्रैगन 865 5G प्रोसेसर दिया गया है। OS की बात करें तो एंड्रॉइड 10 इसमें आपको OS मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 39,999 यानी कि 39,999 तो मिल जाएगी, तो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 41,999 यानी कि 41,999 तक मिल जाएगी, तो 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के साथ 47,999 यानी कि 47,999 तक मिल जाएगी। यहाँ पे इस वीडियो में Realme X सीरीज में जितने मोबाइल फोन आते हैं उनके बारे में मैंने आपको एक एक करके सारी जानकारी दे दी है, सभी मॉडल्स के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है और किसमें क्या फीचर्स मिलते हैं ये भी आपको पता चल गया है। इसके अलावा मोबाइल फोन्स की लेटेस्ट प्राइस क्या है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल गई है। तो Realme X सीरीज में आपको कोई भी मोबाइल फोन पसंद आता है अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इन मोबाइल फोन्स में आपको कौन सा पसंद आया कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप किसी और मोबाइल फोन के सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।